हेलो बिकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 5। अब तक मैंने 4 लेक्चर हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के करवा चुका हूं और उन सब के वीडियोस आपको सेम 5 स्टेट के जहां पे ऑल सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट होगा वहां पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैंने 4 लेक्चर में टोटल हमारे यहाँ पे 5th सम से मैंने स्टार्ट करवाया हाइपर ज्योमेट्रिक के, और ये जो पेज पे जितने भी सम है वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अब तक सारे सम करवा चुका हूँ, अभी ये वाले लेक्चर में मैं 8th वाला सम करवाने वाला हूँ। तो 5th वाला सम मैं करवा चुका हूँ, 6th वाला करवा चुका हूँ, 7th भी करवा चुका हूँ, 10th और 11th भी करवा चुका हूँ। अब टोटल मेरे पास जो सम बचते हैं वो सिर्फ बचते हैं 8th और 9th। क्लियर? तो ये वाले लेक्चर में तो मैं आपको 8th सम करवा लूंगा और इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको 9th सम करवाऊंगा, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट सम है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट सम नंबर 8। तो सम नंबर 8 में क्या बोला है, देयर आर 12 एंबेसडर्स एंड 8 फियाट कार्स। 12 एंबेसडर गाड़ी है और 8 फियाट गाड़ी है, यहां तक आपको समझना है। फ्रॉम देम 5 कार्स इन रिपेयर इन अ वर्कशॉप, उसमें से 5 गाड़ियां वर्कशॉप में है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है पता ही है, बोलते हैं कि वो जो 5 गाड़ियां रिपेयर में है उसमें से 3 एम्बेसडर हो और 2 फियाट गाड़ी हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। तो 3 एम्बेसडर हो और 2 फियाट गाड़ी हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वही हमें निकालनी है। तो सबसे पहले यहां पर लिख दो टोटल एम्बेसडर और टोटल फियाट। ठीक है, और टोटल व्हीकल, मतलब एम्बेसडर कितनी है 12, फियाट कितनी है 8, तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितनी हुई 20। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहली प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि 2 एम्बेसडर होनी चाहिए, यही बोला, 3 बोला था, 3 एम्बेसडर, 3 एम्बेसडर होनी चाहिए और 2 फियाट होनी चाहिए। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी आपकी, ये टोटल एम्बेसडर कितनी है आपकी 12 और मुझे कितनी चाहिए 3, और टोटल फियाट कितनी है 8 और मुझे कितनी चाहिए 2, और यहां पे हो जाएगा 23 5। क्लियर? तो 12C3 निकालेंगे हम, 12 × 11 × 10 डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1, तो ये तो 6 हो गया, बाकी ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते 12 × 11 × 10 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपका हो जाता है 220 मल्टीप्लाई 8C2। अब 8C2 करेंगे हम, तो ये हो तो हो जाता है 8 × 7 डिवाइडेड बाय 2, बराबर ना, 8 × 7 डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो आपका 28 हो गया। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट निकालना है वो 20C5 कि वो थोड़ा बिग नंबर है, तो 20 × 19 × 18 × 17 × 16 डिवाइडेड बाय 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये तो 120 हो जाता है। ये कितना होता है 20 × 19 × 18 × 17 × 16, तो ये हो जाता है आपका 1860480 और डिवाइडेड बाय 120 कर दो, तो यहाँ पे आपका आ गया 15504। अब बस इसको सोल्व कर दीजिए, 220 × 28 डिवाइडेड बाय 15504, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो आती है 2 फियाट और 3 एम्बेसडर की वो आती है 0.3973। तो ये रही 0.397। क्लियर? अब सेकंड प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि एटलीस्ट 3 गाड़ी जो है वो फियाट होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये बोलते हैं एटलीस्ट 3 फियाट होनी चाहिए। एटलीस्ट 3 मतलब क्या हो गया पता है, 3 तो होनी चाहिए। टोटल में सिलेक्शन कितनी कर रहा हूं, मतलब रिपेयर शॉप में कितनी जा रही है 5, और मुझे उसमें से 3 फियाट तो चाहिए, मतलब या तो 3 होगी, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, एटलीस्ट 3 चाहिए ना मेरे को, तो 3 भी होगी, 4 भी होगी, 5 भी, मतलब मिनिमम तो 3 चाहिए ही चाहिए। तो अगर 3 फियाट हुई तो बाकी 2 क्या होंगी, एम्बेसडर। अगर 4 फियाट हुई
तो बाकी एक क्या रहेगी, एम्बेसिडर, और पांच की पांच फियाट भी तो हो सकती है, तो एम्बेसिडर कितनी होगी फिर, जीरो होगी, क्योंकि मुझे निकालनी कितनी है, पांच, बराबर, जिसमें से मिनिमम मुझे कितनी चाहिए, तीन फियाट चाहिए, तो तीन फियाट होगी तो बाकी दो एम्बेसिडर होगी, या तीन हो सकती है या चार हो सकती है पांच हो सकती है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी मेरी हो जाती है यहाँ पे तीन, तो मुझे इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पी थ्री, पी फोर और पी फाइव, तो मेरे पास एम्बेसिडर कितनी है, 12, फर्स्ट वाले में दो होंगी क्योंकि बाकी जो बचेगी आठ वो तो फियाट होगी, ये हो जाएगा 20C5 प्लस, फिर क्या होगा, एम्बेसिडर एक होगी तो मेरे पास फियाट कितनी हो जाएगी, चार, ये हो जाएगा 20C5 प्लस, अभी एक भी मेरे पास एम्बेसिडर नहीं आएगी क्योंकि पांच की पांच क्या होगी, फियाट, अब छठा आएगा नहीं क्योंकि मैं सिलेक्शन ही पांच कर रहा हूँ रिपेयर शॉप के लिए, यहाँ हो जाएगा 20C5। अब ये 12C2 आपका कितना हो जाता है, 12 × 11/2 है, 12 × 11/2, तो ये तो आपका हो गया 66 × 8 × 7 × 6/6, ये आपका हो गया 56 / 20C5, अभी हमने जस्ट निकाला ना, वो कितना था 20C5, ये रहा 15504, 15504, अब इसको कर लेते हैं 66 × 56 / 15504, तो ये तो आपका आ गया 0.2384 प्लस, अब 12C1 तो आपका 12 ही रहेगा और 8C4 कितना होगा हम देख लेते हैं, 8 × 7 × 6 × 5 / 4 × 3 × 2 × 1, तो ये तो आपका 24 आ जाता है, ये कितना होता है देख लेते हैं, 8 × 7 × 6 × 5 / 24, एक सेकंड, 8 × 7 × 6 × 5 / 24, तो ये आपका आ गया 70, और यहाँ पे भी आएगा 15504, तो ये देख लेते कितना होता है 12 × 70 / 15504, तो ये आपका आ गया 0.0542, अब ये ले लेते 12C0 तो 1 होगा इंटू 8C5, तो 8C5 कितना होता है 8 × 7 × 6 × 5 × 4 / 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे भी लिख सकते हो या तो उसको ऐसे भी कर सकते हो, 8 × 7 × 6 × 5 / 5, तो भी आपका जो आंसर आएगा वो आई थिंक सेम ही आएगा, बट आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, इसके लिए इसको यहाँ पे मैं होल्ड पे रखता हूँ, ये वाला लॉजिक आपका, ये वाला आप वहां पे जो सबसे फर्स्ट वाला स्क्रू वाला सम कराया था वहां पे आप यूज कर सकते हो, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 / ये क्या हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4, तो ये आ गया आपका 6720 / 120, तो 56 आया डिवाइडेड बाय 15504, तो 56 / 15504, तो आपका आ गया 0.0036, तो मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट थ्री फियाट कार्स की कितनी होगी, 0.2384 प्लस 0.0542 प्लस 0.0036, तो ये आपका आ गया 0.2962 2962, तो ये एटलीस्ट कितनी आ गई, तीन फियाट कार। अब ये बोलता है ऑल द कार्स आर ऑफ द सेम टाइप, ऑल द कार्स आर ऑफ द सेम टाइप, मतलब पांच की पांच गाड़ी जो है या तो फियाट होनी चाहिए या तो एम्बेसिडर होनी चाहिए, यही हुआ ना इसका मतलब, ऑल द कार्स आर ऑफ सेम टाइप, ये बोलता है कि जो भी गाड़ी है अगर पांच सिलेक्ट कर रहा है ना, वो रिपेयर में जाएगी ना गैरेज में, तो उसमें सारी की सारी गाड़ी क्या होनी चाहिए, सेम टाइप की होनी चाहिए, तो क्या हो गया, या तो वो एम्बेसिडर होगी, और अगर अभी दोनों की दोनों सेम बात बोली है ना उन्होंने कि मतलब सिलेक्शन हम कर रहे हैं और सारे के सारे वो सेम होने चाहिए, तो एक तो एम्बेसिडर हुई और एक तो फियाट हुई, तो जब सेम बोल रहे हैं ना तो यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 20C5,
या आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंफ्यूज हो तो 12 सी पांच ये होंगी तो ये जीरो होंगी, तो ये हो गया 20 सी फाइव प्लस ये जीरो होगी तभी तो ये पांच होंगी और यहां पे आ जाएगा 20 सी फाइव, तो भी आपका आंसर जो है वो सेम ही आने वाला है क्योंकि 12 सी फाइव आपका कितना होता है ये देख लेते हैं हम, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 120 क्योंकि 5 फैक्टोरियल तो अभी हम निकाल ही चुके हैं, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 120 तो ये आपका आ गया 792 डिवाइडेड बाय अभी हमने 20C5 निकाला ना 15504 प्लस कर दो ये तो 12C0 तो आपका 1 ही आएगा, यहाँ पे 8C01 1 इंटू 8C5 अभी हमारा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 120 तो 56 डिवाइडेड बाय 15504 तो 792 डिवाइडेड बाय 15504 कितना आ रहा है हमारा 0.051 प्लस 56 डिवाइडेड बाय 15504 ये आपका आ रहा है 0.0036। अब दोनों को प्लस कर लेते हैं ठीक है, तो आपका आंसर आया 0.0546। तो देख लेते हैं आंसर 0.0547, तो बस मामूली सा एक का फर्क है सिर्फ चलेगा। तो यहाँ पे हमारा सम नंबर 8 कंप्लीट होता है, होप के आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद वाला जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर लास्ट होने वाला है लेक्चर नंबर 6 जहां पे मैं आपको कराऊंगा सम नंबर 9 ठीक है। सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, सेम 5 स्टेट ऑल सब्जेक्ट का ऑल वीडियोस लिखा हुआ होगा, स्टेट ऑल वीडियोस उस पे आपको सारे वीडियोस आपको स्टेट के मिल जाएंगे सेम 5 के। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारा लास्ट वीडियो रहेगा हाइपरजोमेट्रिक का जहां पे मैं आपको सम नंबर 9 कराऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए बाय।